वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्क स्टडी के 40 प्लस एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 1948। क्वेश्चन टू हमारे पास है, 1846 में रियासत जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा के हाथ कितने रुपये में फरोख्त किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 75 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है, क्याम पाकिस्तान के वक्त रियासत हैदराबाद दक्कन में किस कौम की अक्सरियत थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी हिंदू। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, 11 सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए रियासत हैदराबाद दक्कन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, असासुम में पाकिस्तान का हिस्सा तनासुब के लिहाज से क्या था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 750 मिलियन रुपये। क्वेश्चन छः हमारे पास है, मुतहिदा बरसगीर में 1947 तक का कुल कितने आर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 16। क्वेश्चन नंबर सात हमारे पास है, तकसीम बरसगीर से पहले डोगरा राजा के खिलाफ कश्मीरियों ने किस साल अपनी आज़ादी की जंग का आगाज किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 1930। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट, अकवाम मुत्तहिदा के किस इदारे ने 1948 में रियासत जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करने के हक में करारदादे मंजूर किए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी सलामती कौंसिल। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, तकसीम बरसगीर के वक्त हिंदुस्तान में कौन वाइस राय था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है, 30 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान किस तंजीम का रुकन था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी अकवाम मुत्तहिदा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अब तक कितनी जंगें हो चुकी हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 4। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कयाम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान पहुंचने वाले मुहाजरीन की तादाद कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 1,25,00,000। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 1947 में असासों की तकसीम के मुतालिक पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों के माबेन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, तकसीम हिंद के वक्त किस सूबे के हदबंदी में गोरदास पोर्ट, बटाला और फिरोज पोर्ट के तहसीलों को नाजायज तौर पर भारत में शामिल कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, बरतानवी हुकूमत ने कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 18 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा कब पेश किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, कैद अजम कितना अरसा गवर्नर जनरल रहे? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 13 महीने। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, 1947 में बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन कौन था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी सर सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, भारत ने मगरबी पाकिस्तान को आने वाले पानी को कब रोका? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 1948। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की कुल आबादी कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, अंग्रेज दौर में बरसगीर में रियासतों की तादाद क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 635। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, सरकारी मुलाजिमों को पाकिस्तान लाने के लिए किस कमेटी से मुअय्यन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी टाटा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, भारत ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर को कब पेश किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 1948। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, बरसगीर के तकसीम के वक्त रेजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने रुपए जमा थे? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 4 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, रियासत हैदराबाद का हुक्मरान क्या कहलाता था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी निज़ाम हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, कैद अजम ने मुहाजरीन की इमदाद के लिए कैद अजम रिलीफ फंड बरए मुहाजरीन कब कायम किया?
इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 1947। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, कैद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किस शहर में किया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए कराची। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, फौजी असासों में भारत को कितने फीसद हिस्सा मिला, इसका करेक्ट आंसर है 64%। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, फौजी असासों में पाकिस्तान को कितने फीसद मिला, इसका करेक्ट आंसर है 36%। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, भारत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कायम करने के लिए कितनी रकम देने का वादा किया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 60 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, सिंध ताश मुआहदा कब तय पाया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 1960। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, सिंध ताश मुआहदे के तहत कौन से तीन दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए चनाब, सिंध और जेहलम। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, सिंध ताश मुआहदे के तहत कौन से तीन दरिया भारत के हिस्से में आए, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी रावी, ब्यास और सतलुज। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, सिंध ताश मुआहदा अक्वाम मुत्तहिदा के किस इदारे के ताउन से तय पाया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, भारत ने रियासत हैदराबाद दक्कन पर कब कब्जा किया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 17 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, रियासत जूनागढ़ कराची से कितने किलोमीटर दूर थी, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 480 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, रियासत जूनागढ़ की आबादी कितनी थी, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, पाकिस्तान का पहला दारुखराफा किस शहर को बनाया गया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए कराची। क्वेश्चन नंबर 39 है, कराची के पहले वजीर आजम कौन थे, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, कैद आजम ने आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद करवाई, इसका करेक्ट आंसर है 1947। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए कैद आजम। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, रियासत जूनागढ़ में किस कौम की अक्सरियत थी, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए हिंदू।